भिखारी बना करोड़पति। रामनगर के एक गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। यह मंदिर बहुत पुराना था और इस मंदिर के अंदर भगवान शिव जी की एक बहुत पुरानी मूर्ति रखी थी। इस मंदिर में गांव के सभी लोग पूजा करने आते थे। इस मंदिर में एक पुजारी भी था। पुजारी रोज मंदिर में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करता था। इस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी रहता था। वो मंदिर के बाहर भिक्षा मांग कर अपना गुजर बसर करता था। मंदिर में आने वाले लोग पूजा के बाद पुजारी को दक्षिणा देते थे और बाद में पुण्य का काम समझकर मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को भी कुछ पैसे या खाने पीने की चीजें बांटते थे। बूढ़ा भिखारी, भगवान, इस बुढ़ापे में मुझसे मांगा नहीं जाता, तुम मेरी कोई मदद करो भगवान। एक दिन मंदिर में एक चोर आता है। चोर की नजर मंदिर में रखे शिवजी की बहुत पुरानी मूर्ति पर पड़ती है। चोर वहां बैठे पुजारी से पूछता है, पुजारी जी, ये शिवजी की मूर्ति तो बहुत अच्छी है, कहां से खरीद के लाए थे? हे जजमान, ये शिव जी की मूर्ति हम नहीं लाए हैं। ये मूर्ति अति 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 पुरानी प्राचीन काल की मूर्ति है। अच्छा जी, पुजारी चोर को प्रसाद देते हुए, ये लो जजमान, प्रसाद खाओ। चोर प्रसाद लेता है और खा लेता है। अब चोर की नजर में वो मूर्ति चमकने लगी थी। वो मूर्ति को देखकर सोचने लगा, अरे इस मंदिर में तो इतनी कीमती मूर्ति रखी है, इतनी पुरानी मूर्ति, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। अगर मैं इस मूर्ति को चुरा लूं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा, गाड़ी, बंगला, इज्जत, दौलत, शौहरत सब होगा मेरे पास। चोर उस मूर्ति को चुराने की तरकीब सोचता है। इस मूर्ति को कैसे चुराऊं यहां से? चोर पुजारी से कहता है, अरे पुजारी जी, आप अच्छे पुजारी नहीं हो, भगवान आपसे बहुत नाराज होंगे। नाराज अर्थात अप्रसन्न होंगे? हाँ हाँ, वही, अप्रसन्न होंगे। किंतु वो क्यों जजमान? अरे आपने इतनी पुरानी मूर्ति रखी है भगवान की, मैं तो कहता हूँ तुम इसे बदल कर दूसरी मूर्ति ले आओ। ये कैसी अपमानजनक बात कर रहे हो जजमान, भला इस मूर्ति को मैं कैसे हटा सकता हूँ? नहीं जजमान, नहीं, इस मूर्ति के बारे में कदापि ऐसा विचार न लाएं, ये गांव वाले मुझे मंदिर से भगा देंगे। पुजारी की बात सुनकर चोर वहां से चला जाता है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को उस चोर की बातें कुछ ठीक नहीं लगी। चोर रास्ते में जाते हुए बड़बड़ाता है, लगता है ये पुजारी ऐसे नहीं मानेगा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, अब मैं इस मूर्ति को आज रात ही चुरा लूंगा। देखते ही देखते सूरज डूब गया और रात हो गई। मंदिर में भी पुजारी अकेला था और मंदिर के बाहर वो बूढ़ा भिखारी सो रहा था। रास्ते भी एकदम सुनसान थे। चोर झाड़ियों के पीछे छुप कर देख रहा था। रास्ता तो एकदम साफ है और मंदिर में भी कोई नहीं है, बाहर बस ये बूढ़ा भिखारी है, ये मेरा क्या कर लेगा, यही सही मौका है इस मूर्ति को यहाँ से चुरा ले जाने का। चोर दबे पांव चलकर आता है और मंदिर में घुस जाता है। चोर भगवान शिव की मूर्ति को उठा ही रहा होता है कि वहाँ पुजारी आ जाता है। पुजारी चोर को पहचान जाता है। अरे जजमान, तुम तो वही आदमी हो जो सुबह मंदिर में आए थे, राम राम राम, ये तुम क्या कर रहे हो जजमान, ये तो पाप है। अरे चुप शैतान के मामा, साले टकले खबीज की औलाद, जजमान जजमान बोल के कान पका दिए, एक और बार जजमान बोला तो तू अभी रुक। चोर अपनी जेब से बंदूक निकाल कर पुजारी को दिखाता है। ये देख मेरे पास बंदूक है, गोली मार दूं? अरे जजमान, ये क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा, मेरा श्राद्ध कौन करेगा फिर? जिंदगी चाहता है तो मुझे मूर्ति चुराने दे। अरे अरे चोर भाई, एक मूर्ति के लिए मुझे ही गोली मार दोगे, मैं क्या गोली खाऊं, मैं इसकी जगह दूसरी मूर्ति रखवा दूंगा, तुम इसे ले जाओ, अब बस मुझे मत मारो। इतना कहकर मंदिर का पुजारी वहां से भाग जाता है।
मंदिर के अंदर से शोर की आवाज सुनकर बाहर लेटा बूढ़ा भिखारी अंदर आ जाता है। चोर, भगवान शिव की मूर्ति चुराने आया है, मैं तुझे इस मूर्ति को नहीं ले जाने दूंगा। अरे भिखारी, क्यों बुढ़ापे में मरना चाहता है? चोर उसे 100 रुपए फेंक के देता है। ये ले पैसे और चला जा यहाँ से। मैं तुम्हारी तरह बेईमान नहीं जो पैसे लेके ईमान बेच दूं। तो फिर अब तू गोली खा के मानेगा। चोर बंदूक निकाल कर बूढ़े भिखारी की तरफ दिखाता है। एक आखिरी मौका देता हूँ, चला जा। भगवान शिव के लिए मैं मर भी जाऊंगा तो कोई गम नहीं। बूढ़े भिखारी की बात सुनकर चोर अपना रूप बदल लेता है और शिव जी का अवतार ले लेता है। ये देख कर बूढ़ा भिखारी दंग रह जाता है। ये सब क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बालक, तुमने अपने प्राणों से भी बढ़कर मुझे माना है। मेरी मूर्ति के लिए तुम अपनी जान भी देने को तैयार थे। तुम इस परीक्षा में सफल हुए, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव बूढ़े भिखारी से खुश होकर उसे बहुत सारा सोना और पैसा देते हैं। ये सब तुम्हारे लिए है, अब तुम भिखारी नहीं बल्कि अमीर बनकर जियोगे। बूढ़ा भिखारी वो सारा सोना और धन लेता है और चला जाता है। सच्चा भक्त वो नहीं जो सिर्फ मंदिर में पूजा करे, सच्चा भक्त तो वो है जो दिल से ईश्वर को माने।